इंदौर में फिर हुआ दोहरा हत्याकांड, दो पक्षों में जमकर चले चाकू। मामूली बात पर दो लोगों की चाकुओं से गोद कर हुई हत्या। जी हां, डबल मर्डर की ये घटना इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के पालदा इलाके हनुमान मंदिर की है, जहां संजय और उसके भाई अजय का मोंटी और उसके भाई अंकित से मोबाइल फोन से 17,000 रुपये का लेन देन को लेकर 2 महीने से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों का देर रात हनुमान मंदिर के सामने आमना सामना हुआ और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें अंकित और मयंक की मौत हो गई। वहीं 3 युवक घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अधिकारियों और मौके पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लगभग 10:15 बजे करीब पालदा नाका के आसपास कुछ युवकों में आपस में मारपीट हुई, चाकू भी लगे हैं और जिसमें एक पक्ष से 3 घायल है, एक पक्ष से 1 घायल है और प्रथम पक्ष में से 2 लोगों की MBH पहुंचने पर मृत्यु हो गई है। घटना में कौन कौन आरोपी थे, किस बात को विवाद हुआ, इसके बारे में पतारशी की जा रही है। सर, कोई युवती का बात सामने आ रही है? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, एक घंटे पहले के घटनाक्रम है। MBH में 2 लोग 4 लोग घायल होकर पहुँचे हैं। वहाँ के बाद अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है, ना ही जो मृतक पक्ष है उसके अभी जो साथी घायल है वो भी थोड़े से नशे में है, बोलने की स्थिति में नहीं है। तो जैसे घटना की चीज़ें सामने आएंगी वैसे आपको बताया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।